आज भी वही कल्चर जिस तरह से चक्की पीसते हैं आज शमशाल वैली में, बहुत ही खूबसूरत जगह पे आपको मैं लेके जाना चाहूंगा। मैं दिखाता हूँ बहुत ही खूबसूरत मंजर है जी, ये देखिएगा दूर दूर बहुत ही खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करूंगा जहाँ पर भी आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम अपर हमजा गुजाल के गांव शमशाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर कदीमी रस्म अभी भी यहाँ पर खूबसूरती है जी, कल्चर आज भी यहाँ पर जिंदा है इस गांव में। यहाँ पर एक चक्की मैं आपको लेकर जाऊंगा जहाँ पर आज भी वही कल्चर जिस तरह से चक्की पीसते हैं आज शमशाल वैली में, बहुत ही खूबसूरत जगह पर आपको मैं लेकर जाना चाहूंगा। मैं एक दफा यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं कि जी यहाँ से जी पानी जा रहा है और सीधा उस चक्की, तो फिर उसके बाद जी हम आपको नीचे भी लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वहां पर जो बुजुर्ग हैं वो चक्की पीस रहे हैं और कहते हैं कि काफी सालों साल से वो यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर लोगों के लिए ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर आटा पीसते हैं जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और सीधा भी हम नीचे लेके जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं बाहर का मंजर भी एक दफा दिखाना चाहूंगा। ये है जी चक्की से, चक्की का बाहर का मंजर, अभी अंदर भी आपको लेके जाते हैं जी, हमारे साथ रहिए। और ये मेरे प्यारे व्यूवर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बुजुर्ग माशाल्लाह से क्या ही कहना इनका, कि खूबसूरत कल्चर को आज भी जिंदा रखे हुए जी। और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं कि चक्की जी खूबसूरत तरीके से पिस रहा है यहाँ पर, और ये क्या ही खूबसूरती है जी, कुदरत की खूबसूरती वाकई में। और ये एक तरह से ये पुराने रस्म है, बुजुर्गों के दौर से ये चला आ रहा है जी, और आज भी ये खूबसूरत तरीके से चक्की यहाँ पर पीसते हैं। और यहाँ पर शमशाल के खूबसूरत गांव में दी दूर के पास यहाँ पर एक चक्की है, वहाँ पर ये बुजुर्ग जो है ना आटा देख सकते हैं कि चक्की में किस तरह से पीस रहे हैं जी, बहुत ही खूबसूरत। करीब से भी आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत मंजर है जी, ये देखिएगा। और ये एक दफा मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा अंदर का टर्बाइन सा बना हुआ वो घूम रहा है जी। और ये ऊपर का नज़ारा देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पर एक दफा मैं दिखाना चाहूंगा, ये अंकल है, बुजुर्ग हैं, और बैठने की जगह देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से जगह बनाई हुआ, और ये आटा तकरीबन यहाँ पर तैयार हो चुका है जी। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह को विजिट करें, आप विजिट करें इसको, बहुत खूबसूरत तरीके से और यहाँ पर इस नज़ारे को देख सकते हैं। बाहर का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं जी, ये देखिएगा जी, बहुत खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर अभी अंकल इनसे पूछते हैं, अंकल इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जो यहाँ पर है, रिसंग कहते हैं इसको, विजंग कहते हैं जी, और वुर्त कहते हैं जी इसको, चिलिंग टक कहते हैं इसको, ये एडजस्टमेंट है जी, यहाँ पर एडजस्टमेंट होती है, ज्यादा करते हैं इसको, कहते हैं जी दूर। बहुत ही खूबसूरत है जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत शुक्रिया अंकल, अपना ख्याल रखिएगा।